Hello my friend, today I make the prawn curry and sharing with you my recipe. Today I am coming here help in Portugal Analaca shop. And the Analaca shop you take every time take away vegetable rolls, vegetable samosas, beef samosas and veggie samosas. And everything is menu. I make the menu today. Today I make menu prawn curry and I am sharing with you my recipe. I am a chef Habibur Rahman. From in Portugal. उसके लिए हमने ये तकरीबन 800 ग्राम प्रॉन ले लिए हैं. प्रॉन जो हमारे हैं वो ये आपको मीडियम साइज़ के जो हमने प्रॉन यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल किंग प्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसकी मैरिनेशन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके में जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 लेमन, और इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे. इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, लेमन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के. इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी. इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह मैरिनेट करके रख दें. इसमें आप डालेंगे जी फ्राई पैन एक ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे. ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें तमाम जितने भी हमारे प्रॉन्स हैं हम उसको ऐड कर देंगे. इन प्रॉन को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे. इनको हम थोड़ा सा ही सोते करेंगे, करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे. ये देखें जी, अभी हमारे थोड़ा सा हमने इनको जो है ना किया है, सोते किया है. अब इसको हम निकाल लेंगे. डालेंगे जी हमारी करी सॉस. और ये करी सॉस कैसे बनती है, इस करी सॉस का हम आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ये करी सॉस हम कैसे बनाते हैं. इसमें ऐड कर लिए हम यूज़ करेंगे जी कोकोनट मिल्क. जी तो अब हम इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं हम करी पाउडर का. ये करी पाउडर हमारा खुद का बना हुआ है. ये हम कैसे बनाते हैं करी पाउडर, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इससे ये होता है कि हमारी जो करी बनेगी उसकी जो खुशबू होगी वो आपको बड़ी अच्छी आएगी. अब हम इसमें 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो पुर्तगीज़ पीपल हैं वो पिकांत नहीं खाते, चिली यानी स्पाइसी नहीं खाते, तो ये लाइट स्पाइसी कौरमा बनेगा. रेस्टोरेंट स्टाइल में हम जो बनाते हैं वो कौरमा हमारा ऐसे ही होता है. ठीक है जी, तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो जो हमने प्रॉन को हमने करके रखा था जी, उसमें हम वही प्रॉन ऐड कर देंगे. प्रॉन को अब हम इसमें मिक्सअप कर देंगे और इसको तकरीबन हम थोड़ी देर या पकाएंगे और उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा. ये हमारा कोरमा जो है बन के रेडी हो चुका है, प्रॉन कोरमा. तो ये हमारा चुका है. तो ये बहुत इजी है, आप घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं. करी पाउडर का और करी सॉस का जो लिंक है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि वो हम किस तरीके से बनाते हैं. ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार हो गई है. तो इंशाल्लाह अब आपको अगला जो है अगली रेसिपी है वो देंगे इसके साथ ही. अगले आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह वो मिलेगी आपको कोरमे की, कि प्रॉन कोरमा कैसे बनता है. तो ये था हमारा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.